babe. Holy sh! Oh sh! Oh sh! दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी आए दिन कुछ न कुछ इत्तेफाक होते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। ये इत्तेफाक क्यों और कैसे होते हैं, इसके बारे में तो आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। लेकिन कुछ इत्तेफाक ऐसे होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आज के वीडियो में हम आपके लिए पूरी दुनिया में से कुछ ऐसे इत्तेफाक लेकर आए हैं जो लाखों लोगों में से किसी एक के साथ ही होते हैं। आप में से शायद कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो शायद कहें कि ये एडिटेड वीडियो है, पर दोस्तों, इस वीडियो में दिखाई जाने वाली सभी चीजें 100% रियल हैं। पर इन इत्तेफाक से बड़ी बात तो ये है कि सही मौके पर ऐसे इत्तेफाक कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। अगर ये रिकॉर्ड नहीं होते तो न जाने ऐसा इत्तेफाक कब देखने को मिलता। तो दोस्तों, आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपको बहुत मजा आने वाला है। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें, और साथ ही इसके बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें ताकि हमारे इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने पेड़ कटते हुए देखा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि पेड़ काटने का एक तरीका होता है जिससे कि पेड़ काटने वाले इंसान के उल्टे डायरेक्शन में गिरता है। लेकिन अब जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, उस वीडियो को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि एक आदमी पेड़ के ऊपर चढ़कर आधे पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा होता है, और जैसे ही वो इस पेड़ को काटता है, पेड़ के ऊपर का आधा हिस्सा टूटकर नीचे तो गिरता है, पर कुछ इस तरह से गिरता है जिसे देख वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये कटा हुआ पेड़ जमीन पे कुछ इस तरह से खड़ा हो जाता है जैसे किसी ने अपने हाथों से इस पेड़ के हिस्से को खड़ा कर दिया हो। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि ऐसा संभव नहीं है कि हाथ से पेड़ को काटकर खड़ा कर दिया जाए, लेकिन ये एक इत्तेफाक ही था कि इस तरह से पेड़ खुद ही गिरा और जमीन में गड़कर खड़ा हो गया। दोस्तों, आपने मुर्गी तो देखी होगी और आप में से बहुत से लोगों ने मुर्गी के अंडे भी खाए होंगे, लेकिन अब जो इत्तेफाक हम आपको दिखाने वाले हैं, ऐसा आप में से शायद ही किसी के साथ हुआ होगा। अब देख सकते हैं कि एक आदमी सोफे पर बड़े आराम से बैठकर वीडियो गेम खेल रहा होता है, साथ ही उसके पास में उसकी पालतू मुर्गी भी बैठी हुई नजर आ रही है। कुछ ही देर बाद मुर्गी चिल्लाने लगती है, आदमी उसकी आवाज सुनकर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। कुछ ही सेकेंड बाद ये मुर्गी एक अंडा देती है जो कि सीधे आदमी के हाथ में आ गिरता है। आदमी भी हैरान रह जाता है कि ये क्या हो गया। अब इसे तो हम कोई इत्तेफाक ही बोल सकते हैं क्योंकि मुर्गी किसी इंसान के हाथ में अंडा दे, ऐसा लाखों में कभी एक बार ही होता होगा। दोस्तों, आपने फिल्मों में बहुत बार ऐसे सीन्स देखे होंगे जब चोर पुलिस को चकमा देकर गायब हो जाता है और पुलिस उसे ढूंढती रह जाती है। असल जिंदगी में ऐसा बहुत कम होता है जब पुलिस की गाड़ियां चोर की गाड़ी का पीछा कर रही हों और चोर पुलिस को चकमा देकर गायब हो जाए, लेकिन कुछ ऐसा ही अब हम आपको दिखाने वाले हैं जो कि वहां सड़क पे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। अब देख सकते हैं कि एक गाड़ी आगे की तरफ भाग रही है जो कि चोर की गाड़ी है, और इसके पीछे पुलिस की गाड़ियां उसका पीछा कर रही हैं। लेकिन एक मोड़ आता है जब चोर अपनी चलती गाड़ी से उतर जाता है और गाड़ी सीधे सीधे चलते हुए आगे निकल जाते हैं। ये काम उस चोर ने इतनी चालाकी से किया कि पुलिस को इसकी भनक भी नहीं लगी। पुलिस की गाड़ियां चोर की गाड़ी के पीछे ही लगी रहीं और चोर पुलिस की गाड़ियों के पास में से होता हुआ चलकर आगे निकल आया। ये सीन बिल्कुल कोई फिल्मी सीन बन गया, जैसा कि असल जिंदगी में हो पाना इत्तेफाक ही हो सकता है। दोस्तों, अपने सिंगर्स के लाइव कॉन्सर्ट्स तो देखे होंगे या फिर सुना होगा कि ऐसे लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं जहां पर बहुत भीड़ जमा होती है और सिंगर लाइव गाना गाते हैं। अब इस ग्रुप में हम आपको एक ऐसा ही इत्तेफाक बताने वाले हैं जो कि एक सिंगर के लाइव कॉन्सर्ट में हुआ। आप देख सकते हैं कि ये सिंगर स्टेज पे गाना गा रहा है और स्टेज के सामने हजारों की भीड़ जमा है। गाना गाते हुए सिंगर को बहुत जोश आ जाता है और ये भीड़ के बीच में जाकर उनके हाथों पे खड़ा हो जाता है। तभी भीड़ में से कोई इंसान एक ड्रिंक का ग्लास हवा में उछालता है जो कि सीधा सिंगर के हाथों में पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, ग्लास में ड्रिंक भी होती है और सिंगर उस ड्रिंक को पी भी लेता है। उड़ता हुआ ग्लास आना और सीधा सिंगर के हाथों में जा पहुंचना, अब इसे तो इत्तेफाक ही कहा जाएगा क्योंकि ऐसी घटनाएं जानते समझते हुए भी कभी पॉसिबल नहीं हो पाती है। अगला इत्तेफाक कुछ ऐसा है जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब देख सकते हैं, यहाँ पर कोई टूर्नामेंट चल रहा है जिसमें कुल्हाड़ी को दिए गए बोर्ड पे निशाना साधना है। यहाँ पर दो खिलाड़ी हैं जो कि एक ही बोर्ड पे अलग अलग कुल्हाड़ी से निशाना लगाएंगे और जिसकी कुल्हाड़ी पहले लगेगी वो विजेता बन जाएगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर अपनी बारी के इंतजार में दो खिलाड़ी खड़े हुए हैं, और जैसे ही उन्हें बोला जाता है निशाना लगाने के लिए, वो दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी कुल्हाड़ी को एक ही बोर्ड पे निशाना साधने के लिए फेंक देते हैं। इसके बाद जो होता है उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। दोनों की कुल्हाड़ी सेम जगह पे लगती है, लेकिन एक के ऊपर एक, यानी कि एक कुल्हाड़ी निशाने पे एकदम सही लगती है और दूसरी कुल्हाड़ी उस कुल्हाड़ी के ऊपर जाकर लगी है। वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि ऐसा इत्तेफाक शायद वहां बैठे किसी भी इंसान ने पहले नहीं देखा होगा। आइए दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं हमारे जीते जागते सुपरमैन से।
वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक ट्रक चलते चलते एकदम से टेढ़ा होकर खाई में गिरने ही वाला होता है कि तभी हमारे जीते जागते सुपरमैन एंट्री ले लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ट्रक को पकड़ के सीधा कर देते हैं। और इत्तेफाक तो ये होता है कि ट्रक सीधा भी हो जाता है और खाई में गिरने से बच भी जाता है। दोस्तों, अगर इस घटना के बारे में आप किसी को बिना वीडियो दिखाए बताएंगे तो वो आपकी बातों को पूरी तरीके से नकार देगा, पर वो तो शुक्र है कि ये सब कारनामा एक कैमरे में कैद हो गया। अगर इस वीडियो को देखते हैं तो पहली बार देखने में यही लगता है जैसे इस व्यक्ति ने ही अपने दोनों हाथों से दम लगाकर इस ट्रक को खाई में गिरने से बचा लिया हो, लेकिन ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था जो कि लाखों में कभी एक बार होता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं डिनर टेबल पे एक लड़का बैठा हुआ है, साथ ही उसके कुछ दोस्त भी वहाँ बैठे हुए हैं। इस लड़के के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो खुद भी हैरान हो गया। आप देख सकते हैं कि इस लड़के ने दूसरी तरफ अपना मुंह किया हुआ है और इसके पीछे बैठे हुए दोस्त ने इसे एक सॉफ्ट ड्रिंक का कैन फेंक कर दिया है जिसके बारे में इस लड़के को भी पता नहीं था। पर अनजाने में इस लड़के ने उस ड्रिंक को सीधे अपने हाथ में ही पकड़ लिया और जब इसे इस बात का पता लगा तब ये खुद भी बहुत हैरान हो गया। अब ये तो एक इत्तेफाक ही था, वरना सॉफ्ट ड्रिंक का कैन हाथ में ना आकर सीधे उसके सर पे भी गिर सकता था। कभी कभी प्राकृतिक रूप से भी कुछ ऐसे कोइंसिडेंसेस हो जाते हैं जिन्हें देखकर हम हैरान भी होते हैं और खुश भी। खुश इसलिए होते हैं क्योंकि ये इत्तेफाक हमारे साथ हुआ होता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये एक गोल्फ प्लेयर है जो कि गोल्फ बॉल को हिट करने वाला है, लेकिन जब इसने इस बॉल से निशाना लगाया तब कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हैरानी भी हुई और इस प्लेयर को खुशी भी हुई। जैसे इस गोल्फ प्लेयर ने गोल्फ की बॉल को हिट किया, इसकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी, ऐसा लगा मानो बॉल जाकर आसमान में लगी हो और आसमान से बिजली कड़कने लगी हो। जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं, जैसे इस प्लेयर ने बॉल को मारा उसी समय आसमान में बिजली चमकी, जिसे पहली बार देखने से ऐसा लगा मानो बॉल आसमान में जाकर टकरा गई हो और उसकी वजह से बिजली कड़की हो। ऐसा इत्तेफाक भी खुशनसीब लोगों के साथ ही होता है जो कैमरे में रिकॉर्ड भी हो जाए। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपके साथ भी अगर कोई ऐसी कोइंसिडेंस या ऐसा इत्तेफाक कभी हुआ हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल के साथ जुड़े भी रहिए क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही रोचक वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। साथ ही चैनल के बारे में दोस्तों को भी बताइए कि यहां आप कितनी अमेजिंग वीडियोस देखते हैं। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस रोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।